के दागदा रोड पर आकियान जीक ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण जन है परेशान और बेहद ही दुखी। ग्रामीण जनों की समस्या और परेशानी की वजह से जिस कुएं का पानी यह ग्रामीण पीते हैं वह पानी पीने योग्य नहीं है। खराब और दूषित मजबूरी में इन ग्रामीणों को पीना पड़ रहा है यही पानी। जहां पर खराब पानी गांव का कुआं गिट्टी खदान से निकलने वाले धूल मिट्टी से हो रहा है दूषित और खराब भरा हुआ पानी। ग्रामीणों में लिखित में शिकायत की है, समस्या परेशानी बताई अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को, पर इन शिकायती पत्रों पर सुनवाई नहीं अब तक हो सकी है। जहां पर इनकी परेशानी का कोई हल अभी तक नहीं निकला है और न ही निराकरण हुआ है, जिसके परिणाम यह रहेंगे कि गांव का कुआं हो रहा है खराब और मजबूरी में इन ग्रामीणों को दूषित और खराब पानी ही पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेट में अलग अलग तरह की बीमारियां महिलाओं और बच्चों को हो रही है। और ग्राम सभा में ग्रामीण जनों ने समस्या परेशानी बताई। जनपद पंचायत की CEO को, जनपद पंचायत की CEO ने ग्राम पंचायत के सचिव और सहायक सचिव को निर्देश दिए कि खदान चलाने वाले प्रबंधकों को नोटिस जारी किए जाएं। ये चोरी है अपने खदान की, इसकी मिट्टी आ रही है, कुआं है हमारा, आने वाने में सब में आती है सर, ये पानी सब पी रहे बच्चे लोग, इस कंडीशन से रह रहे हैं भौजी। कम से कम देखो तो 20 आदमी हमारे यहाँ बीमार मिलेंगे आपको, अभी सब हालत बिल्कुल खराब हो रही है ये कंडीशन से भौजी। ये मिट्टी देख लो, क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? बबलू झिंझर और तले यहाँ क्या नजीक बंजारा बस्ती। ये जो कुआं है कहाँ पर है, कहाँ से लोग पानी ले जाते हैं, क्या रहता है? सर यहाँ क्या नजीक बोरतले बस्ती बंजारा में है, यहाँ से हम पानी पीते हैं। ये मिट्टी इतनी आ रही है ये खदान की और इसकी धूल भी इतनी उड़ती है भाजी, गर्मी के टाइम पे तो देखोगे तो पागल हो जाओगे। सब बीमार हो रहा है सर, कम से कम 10-15 आदमी बीमार है सर इस वजह से, खाने में सब मिट्टी आ रहा है सर, और बड़ा ब्लास्टिंग होता है सर, उसके बाद में हमारे घर सब दूसते हैं, सब दीवारें फट गई है सर, 2-3 मकान की, स्कूल की दीवार फटी हुई है, अभी दिखा सकते हैं हम आपको, ये कंडीशन है भाजी इस गाँव की, बहुत गंभीर हालत हो रही है। बताइए क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है? ये सर दिक्कत ये खाने में मिट्टी आ रही है, सब गांव वाले पानी पी रहे हैं सर, सब पानी बिल्कुल ख़राब हो रहा है सर, सबकी हालत ख़राब हो रही है इनके गांव में, धूल परेशानी उड़ती है, धूल बहुत उड़ रही है सर, और दीवारें फट गई है सब, ये पास में खेत है, ये जमीन हमारा नष्ट हो रहा है, इसमें मिट्टी जाती है, कोई फसल नहीं होती है भाऊजी, ये स्कूल बच्चे पढ़ते हैं उनके सब तकलीफ होती है सर, रात को मिट्टी आती है सब, गाड़ी निकल जाता है तो 2-4 गाड़ी गिर जाती है रात में, बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी गिर जाते हैं सर, मिट्टी आ रही है सब, खाना नहीं खा रहा है सर, सब पूरा तो निकलेंगे, पैदल भी नहीं निकल सकते सर, इधर पैदल निकलेंगे तो इतने इतने पांव जा रहे हैं, अभी देखो धान काटना है सर, कैसे निकलेंगे अभी, जमीन पूरा जमीन। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।